हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ फिर से भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने है मेरे पास रियल मी C3, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा इसके स्पेसिफिकेशंस दिखने में कैसा दिखता है। तो चलिए जैसे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं जल्द से जल्द। इसका कवर निकाल कर हम इसे देखने में, तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो बॉक्स को निकाल लेते हैं। जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल जैसे आपको सिम इजेक्ट टूल यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में अंदर आपको मिलता है कुछ पेपर वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड और साथ साथ कुछ पेपर वर्क है जो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद में बॉक्स में मिलता है आपको अपना मोबाइल फ़ोन। तो चलिए मोबाइल फ़ोन को भी यहाँ पर निकाल देते हैं। बाय द वे, मैं आपको बताना भूल गया, ये है ब्लेजिंग रेड कलर का जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो फ़ोन को हम साइड में रखते हैं बाद में, पहले देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो थोड़ा सा हम ये भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा चार्जर और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका चार्जिंग केबल। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको इसके अंदर 5000 mAh बैटरी मिलती है, जो कि आपको बजट फ़ोन में आपको 5000 mAh मिलती है। तो यहाँ पे इसका अडाप्टर का थोड़ा वेट थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे नॉर्मली। तो यहाँ पे अच्छा सा मुझे अडाप्टर देखने को मिल रहा है 5 वॉट का। और ये है हमारा साथ में साथ चार्जिंग केबल। तो बॉक्स में मिलते हैं आपको इतने सारे चीज़ें। तो चलिए देखते हैं मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ से पहले कवर में से निकाल लेते हैं। और ये रेड कलर मैंने चूज़ किया है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे अमेजिंग दिखेगा, आपको भी अच्छा दिखेगा क्योंकि ब्लेजिंग रेड कलर है। तो यहाँ पे हम फ़ोन को निकाल लेते, कवर को साइड में रख सकते हैं। देखिए आप कितना इसका अच्छे से डिज़ाइन दिया गया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि बजट फ़ोन में इतना अच्छा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है रियलमी C3 में। और यहाँ पे आपको बात करते हैं पहले इसके डिस्प्ले के साइज़ की, जो आपको मिलता है 6.53 इंच का HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर आप बात करते हैं राइट साइड की, तो आपको ओनली पावर की आपको देखने को मिल सकती है। और लेफ्ट में आपको वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन और साथ में आपको सिमटर देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल स्लॉट आपको इसमें देखने को मिलता है। और नीचे के साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर है, आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और साथ में साथ हेडफोन जैक है। ऊपर के साइड यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, जो बैक साइड मैंने आपको पहले बताया। बैक साइड में आपको दो कैमरे मिलते हैं, 12+2 का आपको विद फ्लैश के साथ आपको कैमरा देखने को मिलता है, जिसका हम कैमरा टेस्ट बाद में करेंगे। और आपको फ्रंट कैमरा आपको 5 MP का देखने को मिलता है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट तो मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया एज यूजल, के इतने आपको कम बजट में आपको इतना अच्छा सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको रेड कलर में। तो यहाँ पर डायमंड डिज़ाइन, डायमंड कट डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। तो ये 3GB 32GB वाला वेरियंट है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर, आपको पहले आपको मैं अबाउट फोन में लिखा जाकर आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए 3GB RAM है, 32GB ROM है, एंड्रॉइड वर्जन आपको 10 मिलता है आपको इसके अंदर। और रियलमी UI वर्जन आपको 1.0 आपको इस फोन में देखने को मिलता है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, जो कि Helio G70 आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आप बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो आपको मिलता है इसमें Helio G70 प्रोसेसर, जो कि मिड रेंज में आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको गेम प्ले इस फोन में देखने को मिलेगा। तो गेम प्ले की वीडियो में मैं इस डाल दूंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका कैमरा, जो कि आपको मिलता है 12+2 MP का बैक कैमरा और 5 MP का फ्रंट। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसका कैमरा, 12+2 MP का जो बैक कैमरा। तो यहाँ पे मैं कैमरे पे क्लिक करके आपको लाइव एक फोटो लेकर बताता हूँ। और तो दो फोटो मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं जो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 12+2 का जो कैमरा है, उसके आपको कैसे आपको इमेजेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो इमेज है इसकी, एक्चुअली तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा क्योंकि बड़ा लाइटिंग में है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छी आपको इमेज क्वालिटी देखने को मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आपको डीप फोकस भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अच्छा है कैमरा, अगर ओवरऑल बात करते हो तो बैक कैमरे की। तो अभी एक यहाँ पे फोटो है मैंने ली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम भी करोगे तो यहाँ पे लाइट होने के कारण आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है जो मैंने ये फोटो ली है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको अमेजिंग आपको कुछ आपको इमेजेस देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे अगर आप जूम भी करोगे तो यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है वो ब्लर नहीं होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको 12+2 जो कैमरा है वो काफ़ी हद तक इसमें अच्छा दिया गया है। और यहाँ पे आप बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, जो कि 5 MP का है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे ली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आपको अच्छा यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिलती है, जूम करने के बावजूद आपको यहाँ पे आपको अच्छा सा आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 5 MP का। तो ओवरऑल बात करते हैं अगर कैमरे की, तो इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा कैमरा भी अच्छा सा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा भी बेटर है और बैक कैमरा जो रियर कैमरा है वो भी यहाँ पे बेटर है। तो यहाँ पे इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट तो दिया नहीं गया है, तो चलिए इसका फेस लॉक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस लॉक ऐड कर दिया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कितनी स्पीड में यहाँ पे इस फोन में रियलमी C3 में फेस अनलॉक होता है। यहाँ पे फेस लॉक टेस्ट कर आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट इसे लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे
यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंस्टेंटली आपको अनलॉक हो रहा है फ़ोन, तो फेस आईडी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है रियलमी C3 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से भी एक लास्ट टाइम लॉक किया है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए लॉक के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंस्टेंटली अनलॉक हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करते हैं इस फ़ोन की, तो 7,000 रुपये के बजट में जो 3 GB 32 GB वाला रोम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि इतने अच्छे कलर में और सजा इतने अच्छे डायमंड कट डिज़ाइन में आपको, और इसके साथ ही साथ इतने ज़्यादा अच्छे फीचर्स में आपको फ़ोन देखने को मिलता है। तो इंटरेस्टिंग सबसे खास बात इसमें यह है कि इसका जो प्रोसेसर है हीलियो G70, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस प्राइस में आपको। तो चलिए मैं बताता हूँ उसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इसके बताता हूँ, जो है 3 GB RAM 32 GB ROM, और साथ साथ आपको इसका जो डिस्प्ले साइज है 6.52 इंच HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, और साथ आपको फ्रंट कैमरा 5 MP का देखने को मिलता है, और रियर कैमरा 12+2 आपको कैमरा देखने को मिलता है विथ फ्लैश के संगात में। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और साथ साथ आपको रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस फोन में देखने को मिलता है, और आपको साथ ही साथ 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको 7000 रुपीज़ में बेस्ट स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।